हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह जानकारी एसपी मंडी मोहित चावला ने मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने बताया है कि जिला मंडी में 97 पद पुलिस कांस्टेबल के और 23 पद पुरुष चालक के रिक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया है कि मंडी जिले से लगभग 18,500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन आवेदन पत्रों की छंटनी करके स्वीकृत पत्रों की सूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए आवेदन पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 97 पोस्ट हैं कांस्टेबल्स की और 23 पोस्ट हैं मेल ड्राइवर्स की। इसके लिए तकरीबन हमें 18,500 फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं और कल कुछ एक फॉर्म्स हमें पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी थी वहाँ पर, तो उसके बाद कल हमें वहाँ से भी फॉर्म्स प्राप्त हुए, उनकी भी स्क्रूटनी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक रिक्रूटमेंट सेल क्रिएट किया गया है जिसको DSP हेडक्वार्टर्स अध्यक्ष हैं उसके, और अब इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी के बाद जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर्स से एक डेट आएगी, तिथि निर्धारित की जाएगी पूरे स्टेट के लिए, तो इन सारे कैंडिडेट्स को, इन सारे बच्चों को हम कॉल लेटर्स भेजेंगे इनकी फिजिकल और ग्राउंड टेस्ट के लिए, जो कि मोस्ट टेंटेटिवली पंडो में ही होगा बटालियन जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज, कुछ चेंज भी हो सकता है। फिलहाल फॉर्म्स की स्क्रूटनी करके एक्चुअल कितने फॉर्म्स एक्सेप्टेड हैं, कितनों में कमियां थी जो रिजेक्ट किए जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल्स, उसका पूरा विवरण हम कुछ ही दिनों में आउट कर देंगे और इसकी डिटेल्स हम पुलिस हेडक्वार्टर में भी भिजवा देंगे। फिर इनकी स्क्रूटनी करने के बाद एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें 18,500 फॉर्म्स की एंट्रीज की जाएंगी, और सॉफ्टवेयर के बाद हमें इसकी कॉल लेटर्स प्राप्त होंगी जो हम इन बच्चों को भेजेंगे, इन कैंडिडेट्स को भेजेंगे, उसके बाद फिर इनका फिजिकल और ग्राउंड टेस्ट लिया जाएगा। आवेदकों के लिए कोई मैसेज है सर? फॉर्म्स की मात्रा बहुत एनकरेजिंग है, बच्चों में पुलिस की नौकरी के लिए जज्बा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट से हमें तकरीबन 18,500 फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। अब आप बच्चे, कैंडिडेट्स, लड़के लड़कियाँ अपनी ग्राउंड की तैयारी करें, फिजिकली अपने आप को फिट रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें दिन और शाम को, और उसके बाद ही फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रिटन टेस्ट रहेगा, जो ग्राउंड क्लियरेंस के बाद ही डिसाइड होगा। ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, ग्राउंड टेस्ट के लिए शीघ्र ही इनके पास कॉल लेटर्स आ जाएंगे।